नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग प्रोजेक्ट 70A के अंतर्गत बनने वाले स्टेल्थ युद्धपोत INS तारागिरी के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे तथा स्टेल्थ तकनीक और प्रोजेक्ट 17A के महत्व को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आइए आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हुआ क्या है यह जान लेते हैं। संडे को मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा अपने तीसरे स्टेल्थ फ्रिगेट INS तारागिरी, जिसे कि प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बनाया जा रहा था, उसे लॉन्च कर दिया गया है। यह जो कार्यक्रम है यह मुंबई के मझगांव डॉक बिल्डर्स लिमिटेड में आयोजित किया गया था। यद्यपि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के उपरांत 11 सितंबर को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई थी, जिसके कारण इस युद्धपोत की जो लॉन्चिंग सेरेमनी थी उसे काफी ही लो प्रोफाइल रखा गया है। इस युद्धपोत का नाम INS तारागिरी नेवी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन वेस्टर्न रीजन की जो अध्यक्षा है चारू सिंह, उनके द्वारा यह नाम रखा गया है। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बनने वाले जितने भी फ्रिगेट हैं वो सारे के सारे स्टेल्थ होने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि स्टेल्थ फ्रिगेट होता क्या है। तो बेसिकली क्या है कि स्टेल्थ फ्रिगेट स्पेशली जो कि एक युद्धपोत होता है, इसे मूलतः दुश्मनों की नज़रों से छुपाने के लिए या उसे दुश्मनों की नज़रों में ना आने के लिए इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि उसे किसी भी प्रकार का रडार या कोई भी विजुअल इंस्ट्रूमेंट या सोनार या इंफ्रारेड मेथड के द्वारा इन युद्धपोतों को पकड़ा नहीं जा सकता है। वर्तमान समय में यदि हम लोग देखें तो विश्व के तकरीबन सारे देश स्टिल्थ तकनीक पर काम कर रहे हैं, चाहे वो वायु सेना के क्षेत्र में हो या नौसेना के क्षेत्र में या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो। इस स्टिल्थ तकनीक या छुपने की तकनीक का जो प्रयोग है अभी वर्तमान समय में किया जा रहा है। अब यहाँ पर इस शिप में ऐसा क्या लगा दिया गया है कि इसे दुश्मन नहीं देख पाएंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि स्टिल्थ तकनीक में 90 डिग्री का जो एंगल होगा, इस एंगल के निर्माण से बचा जाता है। होता क्या है कि कन्वेंशनल शिप में रडार के जो भी बीम टकराते हैं वह या तो डिफ्लेक्ट होते हैं या रिफ्लेक्ट होकर के वापस रडार के पास पहुंचते हैं, जिससे कि उस पोत का या जो भी ऑब्जेक्ट है वह कहां पर है, उसकी यथा स्थिति क्या है, किस प्रकार का है, उसका आकार क्या है, इन सारे विषयों की जानकारी रडार को प्राप्त हो जाती है। यदि शिप का डिजाइन कुछ इस प्रकार से बनाया जाए जिसमें कि राइट एंगल्स या 90 डिग्री का जो कोण होगा उसे कम से कम किया जाए, तो जो भी रडार की बीम्स होंगी वह वापस शिप से टकराने के बाद रडार के पास नहीं पहुंच पाएंगे, जिसके फलस्वरूप इन युद्धपोतों का पता रडार नहीं लगा पाएगा। दूसरे शब्दों में हम लोग कहें कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं वह मूल रूप से रडार क्रॉस सेक्शंस का काम करते हैं और इनके आधार पर ही रडार किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करता है। यदि इन राइट एंगल्स को युद्धपोत या किसी भी ऑब्जेक्ट में नहीं बनाया जाता है तो यह जो डिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन होगा वह नहीं हो पाएगा, जिसके कारण जो RCS होगा रडार क्रॉस सेक्शन वह शिप का उतना ही कम हो जाएगा और शिप हमारा स्टेल्थ हो जाएगा। यहाँ यदि हम लोग देखें तो सबसे पहली बार इसका जो उपयोग किया था यह जर्मन नेवी के द्वारा इसका विकास और सबसे पहली बार उपयोग किया गया था और कालांतर में विभिन्न देशों ने इस तकनीक में महारत हासिल कर ली तथा इसका उपयोग वे करने लगे। तो यहाँ सबसे पहले है कि जिस INS तारागिरी को मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है वह प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बनने वाला एक फ्रिगेट स्टेल्थ शिप है। प्रोजेक्ट 17A जो है यह आपका इसका कुल कॉस्ट है 27,500 करोड़ रुपया, ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत बनने वाला जो पहला शिप है वह है नीलगिरी क्लास का शिप। प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बनने वाले सारे शिप दो शिप बिल्डर्स में बनाए जाएंगे, एक गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड और मझगांव डॉक लिमिटेड में ये शिप्स बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट 17A या 17 अल्फा जो है
प्रोजेक्ट 17 जिसे कि हम लोग शिवालिक क्लास के नाम से जानते हैं, इसका सक्सेसर है तथा इसके अंतर्गत बनने वाले कुल 7 शिप्स का जो नाम रखा गया है वह भारत की 7 पहाड़ियों के नाम पर रखा गया है, जिनमें पहला INS नीलगिरी, दूसरा INS हिमगिरी, तीसरा INS उदयगिरी, चौथा INS दूनागिरी, पांचवा INS तारागिरी जिसे लॉन्च कर दिया गया है, छठा है INS बिंदगिरी और सातवा INS महेंद्रगिरी। ये सारे के सारे जो पहाड़ियां हैं या शिखर के नाम हैं, ये सारे हिल रेंजेस हैं भारत के। यदि INS नीलगिरी की हम लोग बात करें तो इसे 28 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया था तथा यह अभी अपने सी ट्रायल्स में लगी हुई है और इसे अगस्त 2022 में भारतीय नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है। वहीं INS उदयगिरी को लॉन्च कर दिया गया है 17 मई 2022 को और इसके सी ट्रायल समाप्त होने के उपरांत इसे 2024 के सेकेंड हाफ में शामिल किए जाने की संभावना है। वहीं मजगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जाने वाले चौथे शिप और आखिरी शिप को 28 जून को इसकी कील लेइंग सेरेमनी कर दी गई थी। अब हम लोग देखते हैं कि तारागिरी क्या है, तो इसका निर्माण हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा किया जा रहा है प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत, और यहाँ पर जो हिल रेंजेस हैं उनके नाम पर ही इस प्रोजेक्ट के सारे शिप्स का नाम रखा गया है। यहाँ पर INS तारागिरी के फीचर्स को देख लेते हैं। इसका जो डिजाइन है ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन जो कि इंडियन नेवी की एक शाखा है उसके द्वारा किया गया है। वही निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। कुल चौड़ाई 17.8 मीटर है, वही लंबाई 149 मीटर है। जब इसे लॉन्च किया जा रहा था तो इसका लॉन्च वेट 3510 टन था। वहीं इसकी जो क्रूजिंग स्पीड होगी वह 28 नॉट की होगी, 28 नॉट तक यह गति प्राप्त कर सकता है। इस शिप की जब निर्माण हो जाएगी, इसका निर्माण जब हो जाएगा तो इसका कुल डिस्प्लेसमेंट जो है 6670 टन रहने की आशा है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा कि यह जो तारागिरी नाम दिया गया है यह हिमालय के गढ़वाल उत्तराखंड में स्थित एक चोटी का नाम है, उसके उस चोटी के नाम से ही INS तारागिरी का नाम रखा गया है। इसके दूसरे विशेषताओं की बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार के वेपन्स लगाए जाएंगे, सेंसर्स लगाए जाएंगे, एडवांस एक्शन इंफॉर्मेशन सिस्टम इसके अंतर्गत लगाया गया है, वहीं एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम भी इसमें लगाया गया है, साथ ही साथ वर्ल्ड क्लास मॉड्यूलर लिविंग स्पेसेस जो कि नाविकों के रहने के लिए जगह है उसका निर्माण किया गया है। वहीं पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका काफ़ी यूनिक और काफ़ी उन्नत है। इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वह 10,000 किलोमीटर की है, यानी एक बार में रिफिल करने पर यह 10,000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। INS तारागिरी को जो शक्ति है वह 2 गैस टरबाइन और 2 मेन डीजल इंजन के द्वारा यह प्रदान की जाती है। यदि हम लोग देखें इसमें वेपन सिस्टम क्या क्या माउंट किए गए हैं या क्या क्या लगाए जाने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहले होगा मिसाइल सिस्टम। तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल के रूप में यहाँ ब्रह्मोस को शामिल किया जाएगा जिनकी संख्या 8 है। वहीं सरफेस टू एयर मिसाइल के रूप में बराक 8 एक्सटेंडेड रेंज को लगाया जा रहा है जिसकी कुल संख्या 32 है। साथ ही VLSRSM वेरी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को भी इस युद्धपोत में इंटीग्रेट किया जाएगा। वहीं एंटी सबमरीन वॉरफेयर के रूप में 2 ट्रिपल टॉर्पीडो ट्यूब लगाए जा रहे हैं जिसके द्वारा दुश्मनों की पनडुब्बियों को नष्ट किया जाएगा। क्लोजिंग डिफेंस कैपेबिलिटी के रूप में 2 30mm की रैपिड फायर गन AK-630 लगाई जाएगी। वहीं नेवल गन फायर सपोर्ट के लिए SRGM गन को इंस्टॉल किया गया है जिसे कि OTO मिलारा नेवल गन इटली की एक कंपनी है उसने इसका निर्माण किया है। हेलीकॉप्टर्स इस पर तैनात होंगे 2 जिसमें मुख्य रूप से HL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया हुआ ध्रुव या सीकिंग MK-42B या अमेरिका से आयातित हेलीकॉप्टर्स इस पर लगाए जाएंगे। वहीं हम लोग रडार की बात करें तो इसमें MFST
AR मल्टीफंक्शन सर्विलांस ट्रैक एंड मिसाइल गाइडेंस रडार को इसमें लगाया गया है। MFSTAR रडार को लगाया गया है। इसे अगर हम लोग देखें तो इस प्रकार से इस फ्रिगेट में सारे वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा। साथ ही साथ दो हेलीकॉप्टर को भी तैनात करने की इसमें जगह दी गई है। यदि वर्तमान समय में हम लोग देखें कि स्टिल्थ फ्रिगेट का महत्व क्या है, विशेषकर भारतीय नौसेना के संबंध में, तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि भारतीय नौसेना को संपूर्ण हिंद महासागर के क्षेत्र को इसे सिक्योर करना है। इसलिए यह जो INS तारागिरी का जो लॉन्च हुआ है वह एक महत्वपूर्ण रोल निभाने जा रहा है इंडियन मैरिटाइम डोमेन में। वहीं हम लोग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट की बात करें तो उनका कहना है कि जो हिंद महासागर क्षेत्र में है उसमें नित नए सुरक्षा चिंताएं उभर कर के सामने आ रही है और भारत जो न केवल हिंद महासागर क्षेत्र में अपितु इंडो पैसिफिक रीजन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इसलिए आने वाले वर्षों में भारतीय नौसेना को अत्यधिक उन्नत, अत्यधिक प्रभावी और किसी भी क्षमता से निपटने के लिए सक्षम बनाए जाने की आवश्यकता है। यदि हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो इस क्षेत्र की महत्ता वर्तमान समय में आर्थिक गतिविधियों को लेकर के उभर करके सामने आई है और इस क्षेत्र में भारत एक मैरिटाइम स्टेक होल्डर के रूप में उभर करके सामने आया है। साथ ही साथ भारत का कहना है कि वह इस क्षेत्र को एक खुला, नियम आधारित और स्थिर मैरिटाइम ऑर्डर के रूप में इसका निर्माण करना चाहता है। किसका? तो इंडो पैसिफिक रीजन का। ओपन, सेफ और सिक्योर इंडो पैसिफिक की स्थापना के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा शामिल किया गया जो INS तारागिरी है अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यद्यपि हम लोग देखें तो इस क्षेत्र में इंडियन नेवी की डोमिनेंस हम लोग को दिखाई देती है, परंतु हाल ही में चीन के द्वारा भारत के कट्टर दुश्मन पाकिस्तान को एक टाइप 054 फ्रिगेट प्रदान किया गया है जो कि पाकिस्तान का अब तक का सबसे बड़ा स्टिल्थ वॉरशिप होने वाला है। वहीं दूसरी ओर हम लोग देखें तो न केवल पाकिस्तान अपितु चीन भी हिंद महासागर क्षेत्र में अपने पांव पसारने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा है। उसके लिए चीन ने भारत को घेरने के लिए हम लोग यदि देखते हैं तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति को अपना करके रखा हुआ है, यानी कि भारत के पड़ोसी देशों में चीन ने निवेश किया हुआ है, उसके एवज में चीन ने उनके महत्वपूर्ण सी रूट्स और बंदरगाहों को अपने हाथ में लेना प्रारंभ कर दिया है। जैसा कि हम लोग श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट के उदाहरण से समझ सकते हैं, जहां हाल ही में चीन के सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप युआन वांग 5 शिप ने अपना डेरा डाला था, जिसका कि कड़ा प्रतिरोध भारत ने श्रीलंका के समक्ष किया था। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो चीन ने जिबूती में अपना नेवल बेस तैयार कर लिया है, जिसके द्वारा वह गाहे बगाहे भारतीय हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश करता रहता है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों एवं संधियों का खुलेआम उल्लंघन करता है। यदि हम लोग इस मैप के अनुसार समझे तो चीन के लिए यह जो मलक्का स्ट्रेट है यह एक चोक पॉइंट के रूप में काम करता है तथा भारत जब चाहे तब इस मलक्का स्ट्रेट को चोक कर सकता है या बंद कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप चीन की जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं या चीन का जो वैश्विक व्यापार है अन्य देशों को वह बाधित हो सकता है। इस दुविधा से निकलने के लिए ही चीन ने भारत को चारों ओर से घेरने की नीति अपनाई है, साथ ही साथ हिंद महासागर क्षेत्र में अपने पैर पसार रहा है। चीन के द्वारा चीन की बढ़ती इन चुनौतियों के मद्देनजर इस प्रकार के स्टिल्थ फ्रिगेट की महत्ता स्वतः ही बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो INS तारागिरी के निर्माण में लगभग 75% जो सामग्री लगी है वो भारतीय कंपनियों के द्वारा ही बनाई गई है, जिससे आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को एक बूस्ट मिला है तथा स्वदेश निर्मित डिफेंस सामग्रियों के उत्पादन में भारत का आत्मविश्वास और अधिक बढ़ चुका है। इससे न केवल भारत की रक्षा आवश्यकताएं पूरी होंगी अपितु भारत इन इक्विपमेंट्स का निर्यात भी अपने मित्र देशों को कर सकता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो INS तारागिरी है उसके लॉन्च होने से न केवल भारत की सुरक्षा आवश्यकताओं को प्राप्त करने में बल मिला है अपितु उद्योग क्षेत्र को भी अत्यधिक आत्मविश्वास इससे प्राप्त होगा। तो आशा करता हूं कि आज का जो यह सेशन था आप लोगों को पसंद आया होगा।
तथा यह आपकी तैयारियों में सहायक भूमिका अदा करेगा। इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको इस सेशन से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।